सुप्रीम कोर्ट की तहकीक को हाई कोर्ट बदल दे, हाई कोर्ट की तहकीक को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बदल दे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक को सिविल कोर्ट बदल दे, सिविल कोर्ट की तहकीक को थानेदार बदल दे। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? कि असूल ये है, कम शान वाले की तहकीक को ज्यादा शान वाला, कम मर्तबे वाले की तहकीक को ज्यादा मर्तबे वाला, कम इलम वाले की तहकीक को ज्यादा इलम वाला, वो बदल सकता है, मगर ज्यादा शान वाले की तहकीक को कम शान वाला, ज्यादा मुकाम वाले की तहकीक को कम मुकाम वाला, ज्यादा इलम वाले की तहकीक को कम इलम वाला कभी नहीं बदल सकता है। तो मौला सवाल कर लेते हैं साथ मुस्तफा के, तूने तहकीक की है, क्या इस तहकीक को भी बदला जा सकता है? अभी पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक, दाल से लेकर माल तक, अगर मेरा जुमला तुझे समझ आ जाए तो फिर कंजूसी न करना। मौला साथ मुस्तफा पे तूने तहकीक की है, क्या इस तहकीक को भी बदला जा सकता है? आवाज कुदरत आती है, इसे वही बदलेगा जो मुझसे ज्यादा शान वाला होगा, इसे वही बदलेगा जो मुझसे ज्यादा मकाम वाला होगा। कंजूस होगा वो बंदा जो हाथ नहीं उठाएगा। आवाज कुदरत आती है, इसे वही बदलेगा जो मुझसे ज्यादा शान वाला होगा, इसे वही बदलेगा जो मुझसे ज्यादा मकाम वाला होगा, इसे वही बदलेगा जो मुझसे ज्यादा इलम वाला होगा। ओ जिदो राबतु ज्यादा शान वाला ही कोई नहीं है, तो फिर तहकीक के मुस्तफा को बदलने वाला कोई नहीं। शान वाला ही कोई नहीं, तो जी आज का ऐरा खैरा नथु खैरा आखे मैं बदलना, वो की जरूरत है भाई? तेरी मेरी तहकीक थोड़ी है खुदा दी तहकीक है, तो मैं असूल दस्या है, मैं कायदा दस्या है, मैं कानून दस्या है। हमेशा तहकीक को बदलता है जिहड़ा ज्यादा इलम वाला होवे, ज्यादा शान वाला होवे, ज्यादा मुकाम वाला होवे। तो रब तो ज्यादा शान वाला कहना है? आवाज आई, इस तहकीक को कोई बदल सकता नहीं है। तो फरमाया कद साइया की तहकीक है। जा अकुम, अगला अल्फाज जा अकुम आया तुम्हारे पास। हाँ जी समझ आ रही है? लुत्फ आ रहा है, आ रहा है मजा? उठा फिर जरा दोनों हाथ, हाथ नीचे नहीं, हाथ उठा के मेरे मुस्तफा की आमद का इस्तकबाल कर, सीने का जोर लगा के बोल नारे रिसाला। गिरामी कदर हज़रा, जा अकुम आया तुम्हारे पास। मैं फिर नुक्ता दे रहा भाई, चलो आंदा वो ही है जिहड़ा पहले हो गए, आंदा वो ही है जिहड़ा पहले मौजूद हो गए, तो जिहड़ा पहले ही ना हो आ सकदा है। भाई तुसी अपने घर च ऐसो तो आए हो ना, मैं अपने मुकाम पर ऐसा तो आया। आता वही है जो पहले से मौजूद हो। जा अकुम आया तुम्हारे पास, मौला आने का जिक्र है बनाने का नहीं। ये तो बता बनाया कब? तवज्जो है, बनाया कब? आवाज आई, बनाया तब जब कब भी नहीं था। हाँ कब से पहले, समी पे से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले। अल्लाह खुद फरमाता है हदीस कुदसी के अंदर, लौ ला कलमा खलकतुल अफलाक, महबूब तुझे ना बनाता, आसमान को ना बनाता, लौ ला कलमा खलकतुल कायनात, महबूब तुझे ना बनाता, कायनात को ना बनाता, लौ ला कलमा खलकतुल दुनिया, महबूब तुझे ना बनाता, दुनिया को ना बनाता। अल्लाह ने बात मुकम्मल कर दी, फरमाया महबूब आ, लौ ला कलमा आज हर तू रबूबिया, अगर तुझे ना बनाता, न जमी न जमा न वकी न मका न चनी न चुना न अस्त न हस्त न फरदा न बूद न आज न कल न जब न तब न कब न अब न तस्ती न बुलंदी न गुल न गुलजार न जन्नत न नार न तर न पर न समंदर कुछ ना बनाता। महबूब तुझे ना बनाता तो अपना रब होना भी जाहिर ना। जा अकुम आया तुम्हारे पास, अगे लफज है बुरहान। की लफज है? बुरहान का माना होता है दलील। तवज्जो है, बुरहान का माना की है? तो समझदार बंदे बैठे हो, परे पंचायत वाले बैठे हो,
दलील हमेशा दावे ते हुंदी है। दलील हमेशा दावे ते हुंदी है। इंज हो ही नहीं सकता कि दलील होवे ते दावा ना होवे। हाँ जी, ये असूल है। दलील तभी होगी जब दावा होगा। अगर दावा होगा तो दलील होगी। अल्लाह फरमाता है बुरहान, दलील आ गई। चलो मैं समझा देना, मिसाल दे देना। मिसाल होती है समझाने लिए। दलील हमेशा दावे ते होती है। मिसाल के तौर पर मैं आखा है माइक मेरा है। हाँ जी, मैं कह माइक मेरा है। कुतबिया सुन वाला कहे साकी साहब साढ़े को इस चार साल हो गए, तुम कि कहते जो मेरा है। हाँ जी, मैं अपने जेब में से फौरन रसीद निकालूं और बिल चिट दिखा दूं कि भैया ये देखो, जिस दुकान से मैंने खरीदा था उस दुकान का बिल मेरे पास मौजूद है, तस्दीक कर लो। अब माइक मेरा, ये था मेरा दावा। जब मैंने रसीद दिखाई, इस दावे की दलील बन गई। तवज्जो है। चलो एक और मिसाल दे दें। मिसाल के तौर पर अपने मजमे के बीच कोई बंदा खड़ा होकर कहे कि यार मैं मुसव्विर हूं, तस्वीर बना लेना। मुसव्विर जानते हो ना, जेड़े हाथ नाल तस्वीर बनाते सन। ऐ कैद आजम जी, डॉक्टर इकबाल जी, ये हाथ नाल बनी हुई है। तवज्जो है, हाथ नाल बनी हुई है। अगर कोई बंदा खड़ा होकर कहे मियाँ मैं मुसव्विर हूँ, तस्वीर बना लेता हूँ, आप कहें मियाँ तू सुबह हमारे दरमियान होता है, शाम हमारे दरमियान होता है, दोपहर हमारे दरमियान होता है, और तू दावा करता है तू मुसव्विर है। अच्छा, अगर तू मुसव्विर है तो फिर कोई तस्वीर बना के भी खा। ऐसा ही है ना। उसने कहा कि मैं मुसव्विर हूँ, तस्वीर बना लेता हूँ, ये था उसका दावा। और अगर वो बढ़ा के दिखावे तो उसके दावे की दलील बनेगी। तवज्जो है, पता चल गया। दलील हमेशा दावे से होती है। दलील हमेशा, वो बोलो तो सही, दलील हमेशा। अगर तुम समझ नहीं आ रही तो आप कोई होर हिसाब किताब चेंज कर लेने। समझ आ रही है तुम? समझ आ रही है? सजा हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। दलील हमेशा दावे से होती है। अल्लाह ने फरमाया बुरहान दलील आ गई। मौला ठीक है, दलील आ गई तो दलील होती है दावे ते। जरा दावा ते दस। तवज्जो है, दावा ते दस। हुण मैं पढ़न लगा दावा। जिसकी दलील आए ने मुस्तफा, वो दावा कीजिए। पारा नंबर 3 है, सूरह आले इमरान है। अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। अल्लाह की जात वो जात है जिहड़ा तुहाड़ियां मावां दे रहमां दे अंदर, पेटां दे अंदर जिस तरह चाहे तुहाड़ी तस्वीर बना देता है। तवज्जो हो गई ग्रामी कदर हजरात। माँ के पेट के अंदर बच्चा पैदा कौन करता है? अल्लाह। चेहरा कौन बनाता है? अल्लाह। तस्वीर कौन बनाता है? अल्लाह। तो अल्लाह ने दावा कर दिया वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा। अल्लाह की वो जात है जो तुम्हारी माओ के पेटों के अंदर जैसे चाहे तुम्हारी तस्वीर बनाए। पारे नंबर 27 में चले तो फरमाया हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। वो अल्लाह खालिक भी है, बारी भी है, और तस्वीर बना लेने वाला मुसव्विर भी है। जब अल्लाह ने दावा रख दिया कि मैं मुसव्विर हूँ, तस्वीर बना लेता हूँ, लोगों ने दलील मांगी, कहा बारी ताला अगर तू मुसव्विर है तो अपने मुसव्विर होने की दलील दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बनाई हुई मखलूकात में से जो सबसे ज्यादा शाहकार तस्वीर, तस्वीर मुस्तफा लोगों के सामने करके फरमाया वो मेरी बारगाह के बीच दलील मंगने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ात मुस्तफा की सूरत में अपनी दलील दे रहा है। मैं आसान कर देता हूँ जुमले को, एक शेर के अंदर बंद कर देता हूँ। शेर कहता है कि बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी वो गुंजाइश तनकीद, सबीर रद कर दी, कोई तनकीद ना कर सके। मेरे मुस्तफा का चेहरा कैसा है, वो दुहा फरमा दिया, कोई तनकीद ना कर सके। मेरे मुस्तफा की जुल्फे कैसी है, वो लाल फरमा दिया, कोई तनकीद ना कर सके। मेरे मुस्तफा का सीना कैसा है, अलम ने शरा फरमा दिया, कोई तनकीद ना कर सके। कि मेरे मुस्तफा के हाथ कैसे हैं, ये दुल्ला फरमा दिया, कोई तनकीद ना कर सके। कि मेरे मुस्तफा के होंठ कैसे हैं, यू हा फरमा दिया, कोई तनकीद ना कर सके। मेरे मुस्तफा की आंख कैसी है, मा जागल बसर फरमा दिया, कोई तनकीद ना कर सके। मेरे मुस्तफा की चाल कैसी है, ला उकसिमु बिहाज़ल बलद फरमा दिया। तो बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी ओ गुंजाइश तनकीद, समीर रद कर दी।
खुद कर दी, खुद तो पर्दे में रहा, खुद को दिखाने के लिए सामने लोगों के तस्वीर मोहम्मद कर। खुद तो पर्दे में रहा, खुद तो पर्दे में रहा, खुद को दिखाने के लिए सामने लोगों की तस्वीर मोहम्मद कर दी। इसी तस्वीर मुस्तफा को जब दूसरे शहर में देखा तो कह दिया, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की, कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया, मेरे मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा, डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, रुख मुस्तफा है वो आईना, क्या बात है दूसरा आईना, ना किसी की मज़ में ख्याल में, ना दुकान में आए, ना साज में। हसान बिन साबित को पूछ ले गया, हसान तू बस तस्वीर मुस्तफा क्या है, आप फरमाते हैं वो अहसन मिन कलम तरकत वैनी। अगर समझ आई तो सजा उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वो अहसन मिन का लम तरकत तो ही नहीं, बल्कि हसान वो सहाबी है जिसको मेरे मुस्तफा ने दस्ते मुबारक से पकड़ा, फरमाया हसान मिंबर पे चढ़ मुझे मेरी नात सुना। हजरत हसान की आंखों में आंसू आते हैं, या रसूल अल्लाह आप देने वाले मैं लेने वाला, आप आका है मैं गुलाम हूँ, आप दाता है मैं मंगता हूँ, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हिम्मत है आपके होते हुए हसान मिंबर पे चला जाए। मुस्तफा ने फरमाया हसान इसमें तेरा कमाल नहीं है, ये मोहम्मद मुस्तफा की नात का कमाल है। गिरामी कदर हजरत हजरत हसान कहते हैं वो अहसन मिन कलम तरकत वैनी वो अजमल मिन कलम तलिद निसाल खुलिकत मुबर्रअ मिन कुल ऐब कअन्नक कद खुलिकत कमा तशा। तर्जुमा कर रहा हूं हजरत हसान के निर, या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने आज तक तुहाडे वर्गा सोना तकिया ही नहीं है। तवज्जो है, हजरत हसान कह रहे हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने आज तक आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं है। और फिर फरमांदन देखता केंजे किसे मां ने जड़े बंदा तो देखता है जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया, गोया कि अल्लाह ने आपको ऐसे बनाया जैसे खुद आपने चाहा। अच्छा गिरामी कदर हजरत इतने एक लतीफ नुक्ता भी है कि मेरे मुस्तफा ने हजरत हसान को क्यों किया, तवज्जो है भाई। सैयदना सदीक अकबर मौजूद, फारूक आजम मौजूद, उस्मान गनी मौजूद, हजरत अली मौजूद, हजरत बिलाल मौजूद, तलहा उस्मान मौजूद, सारे सहाबा मौजूद सन, मेरे मुस्तफा ने हजरत हसान को क्यों आख्या। सवाल समझ आ गया, हजरत हसान को क्यों कहा। अब जो जो चाहता है इस क्यों का जवाब आए, बोले जरा सुभान अल्लाह। बात यह है, अब मैं थोड़ा सा आपको खाना काबा की तरफ लेकर जाना चाहता हूं कि हजरत हसान को क्यों कहा जा रहा है, इसके अंदर कितनी बड़ी हिकमत है। इको ज्यादा नहीं, बस आवाज खोलो हजरत। जब 12 रबी लोगल की सुबह थी, रात जा रही थी दिन आ रहा था। तवज्जो है, रात जा रही थी दिन आ रहा था। खाना काबा के साथ एक ताजर खड़ा था जो मुल्के शाम से आया था। मक्के वालों से कहता है, ए मक्के वालों एक बात बताओ, जब रात जा रही थी दिन आ रहा था, किसी के यहां बेटा पैदा हुआ है। लोका क्या तू ताजर है, तिजारत की गर्ज लाया है, कोई तिजारत की गल कर, तू केड़े काम पै गए। उन्होंने कहा मैनू पता है मैं तिजारत की गर्ज ना लाया, लेकिन दसो तो सही, मैंने कुछ निशानियां देखी हैं, कुछ चेहरा देख के बताऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा ये गल है तो फिर ठीक है, मक्के दे अंदर जेड़ा वक्त तू देख कहता पे है कि रात जा रही थी दिन आ रहा था, और तो पता नहीं अब्दुल मुत्तलिब के यहां पोता हुआ है। तो सजा हाथों के बल सुभान अल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब के यहां पोता हुआ है। ताजर कहता है मुझे ले जाओ
चेहरा देख के बताऊंगा। ले जाया गया अब्दुल मुत्तलिब की हवेली ले जाया गया। जब उस ताजर ने मेरे मुस्तफा को देखा, मेरे मुस्तफा पंगूड़े में है, जब उसने चेहरा मुस्तफा को देखा तो पहले वो झूमा, फिर वो घूमा, फिर उसे मजद आया, फिर वो बेहोश हो गया, होश में लाया गया। ताजर फिर कहता है कि जब ये बच्चा पैदा हो रहा था कोई और भी पास था? हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की वालदा कहती है, हाँ मैं पास थी। उस ताजर ने कहा, आपने कुछ अजीब देखा? अब्दुल रहमान बिन औफ की वालदा कहती है, हाँ जब ये बच्चा पैदा हो रहा था मैंने अजीब तर अजीब देखा। ताजर कहता, क्या देखा? वो कहती है, जब बच्चे पैदा होते हैं बच्चों में भी ऐब होते हैं, माओ में भी ऐब होते हैं, मगर जब ये बच्चा पैदा हुआ है ना कोई बच्चे में ऐब था, ना बच्चे की माँ में ऐब था, माँ में ऐब था। गिरामी कद्र हजरत, ये सारी बातें जब हो रही थी, पास ही एक छोटा सा बच्चा 6 से 8 साल की उम्र का जो पास खड़ा था, वो ये सारा कुछ देख रहा था और सुन रहा था। अब चलिए वही बात कि आका करीम ने हजरत हसन को क्यों कहा कि हसन मिंबर पे चढ़, मुझे मेरी नात सुना। वजह यह है कि जब मेरे मुस्तफा की विलादत हुई, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की वालदा थी, और जो 6 से 8 साल का बच्चा था वो कोई और नहीं था, वो हजरत हसन बिन सादत थे। इसलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया, हसन तूने सब कुछ देखा हुआ है, मिंबर पे चढ़ और मुझे मेरी नात सुना। और फिर वही बात हजरत हसन कहते हैं, वो अहसन मिन कलम तरकत वही नहीं, आका मेरी आंख में आज तक तुम्हारे वर्गा सोना तकिया ही नहीं है। माशाल्लाह, वो दे जोश तू भी सदके तो तुहाडे तो भी सदके। अच्छा कई बंदे इंज बैठे के पता नहीं सवेरे मैनू कहण गया, राती दीवाना नारे ही लैंदा रह गया। भाई यार शर्माओ ना, बंदा दुनियादार के मामले के अंदर शर्मावे, बंदा बाजार च शर्मावे, जो दूजा कोई काम हो उदो शर्मावे। अल्लाह के घर के अंदर बह के नबी पाक के फिक्र के अंदर कादा शर्माना, उतार जरा शर्म, दोनों हाथ उठा, हाथ नीचे नहीं, हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। ये वही तस्वीर है जिसके बारे में ख्वाजा गुलाम फरीद ने भी कहा था कि हसीना जमीला का मुंह मोड़ देता। बोलो बोलो यार, कोशिश करो, बोलो जी कोशिश करो, हसीना जमीला का मुंह मोड़ देता, ओए मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। अच्छा ये मैं हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की गल कर दिया, आप जबरील को भी ना पूछिए। जबरील तू बता, तू तो सारे अंबिया का सिहाबी है। जबरील तू बता, तूने आदम को देखा, आदम के सफी होने को देखा, तूने नूह को देखा, नूह के नजी होने को देखा, तूने इब्राहिम को देखा, इब्राहिम के खलील होने को देखा, तूने इस्माइल को देखा, इस्माइल के जबी होने को देखा, तूने मूसा को देखा, मूसा के कलीम होने को देखा, तूने ईसा को देखा, ईसा के रूह होने को देखा। जबरील तू बता, मेरे मुस्तफा को देखा है, फिर ऐसा कोई दूसरा देखा है? जबरील कहता है, مشارق الارض ومغاربها لم ارى رجل احسن من محمد। میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں, حضرت جبریل کہتا ہے, میں نے مشرق کو دیکھا, میں نے مغرب کو دیکھا, میں نے شمال کو دیکھا, میں نے جنوب کو دیکھا, میں نے زمین کو دیکھا, میں نے آسمانوں کو دیکھا۔ میں جملہ مکمل کر رہا ہوں, کنجوسی نہ کرنا, سخی بن کے بولنا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں ساری کائنات چھان رہی ہے, میں نے تہاڈے ورگا سونا لبھیا ہی نہیں ہے, سونا۔ اچھا میں امید ہے تو بڑا ایمان بڑا تاز ہوگا۔ جبریل کہہ رہے ہیں کل لب تو مشارق الارض۔